वेलकम टू द आशिमा शो। क्या कोरोना वायरस के चलते भारत को एक और नोटबंदी झेलनी पड़ेगी? क्या भारत तैयार है एक और डीमोनेटाइजेशन के लिए? ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करके लोगों से अपील की है कि वो करेंसी नोट्स और सिक्कों का कम से कम प्रयोग करें। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने तो इसके लिए स्लोगन भी जारी किया है, कोरोना से डरो ना, डिजिटल करोना। इस वीडियो में बताऊंगी कितना रिस्क है नोटों से कोरोना वायरस के फैलने का और कैसे इसे बचा जा सकता है, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिस्ट जारी करके बताया कि डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ सर्फेसेस ये वायरस 24 से 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है। हालांकि ये काफी सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। ये वायरस तांबा धातु पर 4 घंटे तक, कार्डबोर्ड जो सामान पैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उस पर 24 घंटे तक, और प्लास्टिक, स्टील, आयरन जैसे चेयर्स, बाथरूम की टूटी एटसेट्रा पर यह वायरस 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसलिए देश भर में बसेस, मेट्रो को डेली सैनिटाइज करने की जरूरत पड़ती है। अगर बात की जाए करेंसी नोटों और सिक्कों की, तो ये दिन भर में बहुत से हाथों से होकर गुजरता है और फिर लोगों के थूक, पेंट के पसीने की ह्यूमिडिटी इस वायरस को लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए अनुकूल वातावरण देते हैं। आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल जी ने कहा है कि नगद राशि भेजने या बिल का भुगतान करने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगह जहां पर लंबी लंबी लाइंस भी होती हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल बैंक ने लोगों को सुझाव दिया है कि NEFT, IMPS, UPI जैसी फंड ट्रांसफर सुविधाओं का इस्तेमाल करें जो 24 घंटे खुली रहती हैं। आपको याद हो तो जब चाइना इस वायरस से जूझ रहा था तो चाइना सरकार के आदेश पे सेंट्रल बैंक ने सारे नोट्स को अल्ट्रा वायलेंट लाइट और हाई टेम्परेचर की हेल्प से सैनिटाइज किया था और 14 दिनों तक नोट्स को सील करके रखा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाइना ने कोरोना वायरस को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। वहां कुछ हफ्तों से एक भी नए केस सामने नहीं आया है और कल से लॉकडाउन भी खोल दिया गया है। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स को सैनिटाइज करने का ऐसा ही काम साउथ कोरिया में भी किया गया था और यहां भी वायरस कंट्रोल्ड है। तो अब क्या किया जाए? 100% कैशलेस लेन देन तो हो नहीं सकता, लेकिन बचाव जरूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं तरीके। पहला, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन का तरीका, ऑनलाइन पेमेंट जैसे पेटीएम, गूगल पे, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ही ट्रांजेक्शन करें। दूसरा, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन ना हो तो प्लास्टिक मनी यानी कि क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल के बाद कार्ड को सैनिटाइज करके ही वॉलेट में वापस रखिए। तीसरा, अगर नकदी नोट यूज करना ही एकमात्र ऑप्शन हो तो इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथों को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के साथ या फिर 20 सेकंड तक साबुन से अपने हाथों को जरूर धोएं और हाथों को मुंह, कान, नाक को छूने से बचें। क्या भारत को एक और नोटबंदी करनी पड़ेगी? ये डिसीजन मोदी गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि लॉकडाउन के चलते बिजनेस इकोनॉमी वैसे ही ठप है। नोटबंदी की मार आसान नहीं होगी। आओ मिलकर इस वायरस से लड़ते हैं, वायरस संबंधित जरूरी बातों का ध्यान रखें। अगर दोस्तों आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपका कुछ सवाल हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द आशिमा शो पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अवेयरनेस के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।